वेरिएबल्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जान होते हैं और पाइथन के जो वेरिएबल्स होते हैं क्या होते हैं किस तरीके से इनको स्टोर किया जाता है और वेरिएबल्स किस तरीके से आप बना सकते हैं इन पाइथन यही हम देखने वाले हैं Let's jump into it. स्क्रीन आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस लेक्चर का नाम है बेसिक्स ऑफ पाइथन और इसके अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं अगर आप वेरिएबल्स की बात करें तो यूजली ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास एक डिब्बा है ठीक है डिब्बे के अंदर अगर मैं कोई भी अपना डेटा या सब्जियां वगैरह इनके अंदर स्टोर कर देता हूं यानी कि डब्बे के अंदर अगर मैं ये सारी सब्जियां उठा के रख दूंगा तो ये सब्जियों वाला डब्बा हो जाएगा तो बेसिकली वेरिएबल भी इसी तरीके से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा रखते हैं तो अगर सब्जियों को आप डेटा बोलें तो आप इसके अंदर स्टोर करेंगे तो ये कंटेनर जो है ये सब्जियों वाला कंटेनर यानी कि सब्जियों वाला वेरिएबल हो जाएगा या आप इसको डिफरेंट किस्म का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं बट वी विल सी वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम दैट रेफरेंसिस और पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी ठीक है तो हमारे पास अगर डब्बा है डब्बे को अगर हम वेरिएबल कहें तो ये पॉइंट किस पे कर रहे हैं वेजिटेबल्स के ऊपर ठीक है सो so बेसिकली अगर आप गौर करें हमारे पास डब्बा जो है ये बेसिकली एक वेरिएबल है जो पॉइंट किसको कर रहा है जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है इन द मेमोरी और वो ऑब्जेक्ट क्या है दैट इज दिस वन दिस वन इज वट वेजिटेबल्स इसको और भी डिटेल में समझते हैं ये अलाउ करता है इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू स्टोर डेटा एंड मैनिपुलेट इट थ्रू आउट द कोर ठीक है डेटा को स्टोर करना और मैनिपुलेट करने के लिए हेल्प करता है थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ लेबल्ड बॉक्स यहाँ पे अगर आप इसको लेबल कर दें वेरिएबल को इसका नाम रख दें ए ठीक है अगर आप इसका नाम ए रख देंगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये ए वेरिएबल है ठीक है ए वेरिएबल या ये डब्बा राइट वेयर वेयर यू कैन प्लेस द डेटा एंड रिट्रीव इट वन नीडेड तो हम इसमें डेटा रिप्ले प्लेस करते हैं जब हमें चाहिए होता है हम इस डब्बे को बुला लेते हैं और इसको यूज कर लेते हैं अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं एक और वेरिएबल्स जो है ये बेसिकली पाइथन के अंदर वेरिएबल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बहुत ही आसान होते हैं और आप इक्वल टू के साइन के साथ इन्हें प्लेस कर सकते हैं यानी कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल का नाम रखना है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डब्बा था एरो की बजाय आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे और आपका वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लेगा सो हम यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास किस तरीके से आते हैं अगर आप कोडिंग के अंदर जाए तो आपके पास लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है जैसे एक्स एक वेरिएबल है यहां पे ठीक है एंड आपके पास सॉरी यहां पे टेन जो है ये वैल्यू है जीरो इज इक्वल टू जो है सॉरी ये ऑपरेटर है सो एक्स इज अ वेरिएबल टेन इज जो इसकी असाइंड वैल्यूज है एंड इक्वल टू जो है वो ऑपरेटर है जो वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है आप यही समझें कि एक्स इज अ डब्बा और उसके अंदर दस हमने रख दिया है विच आर सब्जियां ठीक है, है अगर नेम की बात करें तो नेम भी एक वेरिएबल है इसके अंदर हमने एलिस यानी कि नेम रख दिया है फिर इज एक्टिव यह भी एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने ट्रू रख दिया है सो अगर आप राइट साइड पे देखें आपके पास डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स आ रही हैं डेटा स्ट्रक्चर्स आ रही हैं वी विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर लेकिन अभी के लिए याद रखें कि लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप कोई भी एक लव्स लिखें या कोई भी एक नेम लिखें तो उसमें आप वेरिएबल को स्टोर कर सकते उसमें आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं यहां पे जैसे मैंने बताया एक्स नेम है एंड इज एक्टिव एक्स नेम एंड इज एक्टिव आर वेरिएबल्स टेन एलिस एंड ट्रू आर द वैल्यूज असाइन टू दीज वेरिएबल्स ठीक है अब इसमें एक चीज आपने नोट करनी है अनलाइक सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन डज नॉट रिक्वायर यू टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सप्लीसिटली ठीक है टाइप ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर आप गौर करें एक्स जो है ये दस के साथ आ रहा है टेन इज ए नंबर तो हम इसको कह सकते हैं ये न्यूमेरिक वेरिएबल है ठीक है नेम इज एलिस तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कैटेगोरिकल यानी कि या वेरिएबल है जिसके अंदर नाम आ रहा है true है ये ट्रू इसके अंदर इसका मतलब ये है कि ये बुलियन वेरिएबल है या ट्रू फॉल्स का बाइनरी वेरिएबल है समथिंग लाइक दैट ठीक है सो ये यहां पे पाइथन में आपको बताने की जरूरत नहीं होती है ये कौन सा वेरिएबल है इट्स ऑटोमेटिकली डूइंग इट्स जॉब ठीक है अब वेरिएबल को भी नेम करने के कुछ रूल्स होते हैं जैसे मैंने पिछले दफा आपको बताया था तकरीबन तो वही रूल्स हैं जब आपने सेंसिटिव यूज करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एज का एक वेरिएबल बनाया है एक्स की बजाय एज लिखा है अगर आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर या ऑल कैपिटल या ऑल स्मॉल में लिखते हैं तो यू हैव टू यूज द सेम अल्फाबेट्स अगेन एंड अगेन यू कैन नॉट से कि मैं एज में कोई चीज़ स्टोर करता हूँ लेकिन मैं एज लिख के उसे रिट्रीव कर लेता हूँ ऐसा नहीं होता सो यू हैव टू टेक केयर कि कैपिटल लिखा है तो कैपिटल को लिखना है मैंने स्मॉल है तो स्मॉल को लिखना है And इस वजह से usually आप वेरिएबल्स को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं ताकि आप भूल लेना फिर आप स्टार्ट करते हैं विद अ लेटर लेटर और underscore. Usually letter के साथ स्टार्ट होता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी ए टू जी अल्फाबेट आप यूज करें लेटर यानी कि डेटा वन एक वेरिएबल है इसके अंदर कोई डेटा स्टोर हो सकता है और या अंडर स्कोर वैल्यू ये भी वेरिएबल है अंडर स्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी लेटर से भी ठीक है एंड देन इन वैलिड की बात अगर करें तो आप नंबर से कभी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करते ना किसी स्पेशल करेक्टर से ये वही चीजें हैं जो पहले भी मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशन में बताई थी ठीक हो गया देन फॉलोड बाय ए लेटर डिजिट और अंडर स्कोर आफ्टर द फर्स्ट करेक्टर यू कैन ऑल यूज लेटर्स डिजिट्स और अंडर स्कोर यानी कि अगर वैल्यू अंडर स्कोर वन लिखेंगे इट्स फाइन वैल्यू अंडर स्कोर सेट लिखेंगे या डेटा अंडर स्कोर सेट लिखेंगे इट इज फाइन लेकिन अगर आप डेटा डैश सेट लिखेंगे हाईफन आर नॉट अलाउड ठीक है सो आपके पास अंडरस्कोर अलाउड है लेकिन हाइफन अलाउ नहीं है इसकी रीजन क्या है आर एज एज अरिथमिक अरिथमेटिक ऑपरेटर वेल जिसको माइनस बोला जाता है ठीक है तो अगर आप हाइफन को यूज करेंगे तो ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन जो माइनस है रिथमेटिक ऑपरेटर का जैसे कैलकुलेटर पे होता है उसके तरीके से यूज हो जाएगा तो ये हैं तीन तीन रूल्स बेसिकली जिनको आप यूज कर सकते हैं इनके अलावा भी हमारे पास रूल्स हैं जैसा कि यहां पे देखा है मैंने आपको बताया कि मीनिंगफुल नेम्स होने चाहिए रिजर्व की वर्ड ने आपने यूज़ करने और यूज हमेशा जो लोअर केस लेटर्स हैं वही रूल जो हमें मैंने मैंने आपको पहले भी बताए थे आप कॉन्स्टेंट्स जो है वो यूजली अपर केस लेटर में यूज़ करते हैं यानी कि पाई लिख दिया आपने एक्सपोनेंट लिख दिया दीज काइंड ऑफ थिंग्स तो वी विल सी दोज थिंग्स इन अ मिनट लेकिन उससे पहले अगर आप गौर करें तो ये रूल्स हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे जहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स को हमने डिफरेंट नेम्स दिए थे ठीक है तो ये वेरिएबल्स होते हैं अब वेरिएबल्स की कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं इकट्ठे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं स्क्रीन आपके सामने आ रही है यहां पे अगर आप गौर करें वेरिएबल्स के अंदर हमने एक डेटा डॉट आई पी वाई एन बी के नाम से एक फाइल सेव की हुई है विच इज़ अ जुपिटर नोटबुक मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ यहां पे मैं एक नई फाइल सेव करता हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ राइट क्लिक करके मैंने इसी फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाई और इसका नाम मैं रख देता हूँ जीरो वन अंडर स्कोर वेरी एबल्स ठीक है और अगर आप गौर करें मैंने इस फाइल की कोई एक्सटेंशन नहीं दी जिसकी वजह से यहां पे मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं चलेगा फॉर दैट आई हैव टू रीनेम इट एफ टू दबा के एन डॉट आई पी वाई एन बी जुपिटर नोटबुक के नाम से मैं इसको बना लूंगा ठीक है और यहां पे मार्कडाउन का मैंने सेंड लगाया और हैश टैग यहां पे लिखता हूं वेरिएबल variable, वेरिएबल्स और अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स लिखू और इसको मैं मार्कडाउन के सेल के साथ बना लूँ एंड देन यू कैन सी कि मैं इसको टिक के निशान पे क्लिक करूंगा तो ये वेरिएबल्स आ गए एंड मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सटेंशन हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर लेंगे मार्कडाउन की तो ये ऑटोमेटिकली जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बोल्ड कर लेते हैं चीज़ें वैसे हो जाएंगी ठीक है नाउ आई विल क्रिएट अ वेरिएबल नेम जिसका नाम होगा

बेस्ड ऑन द टास्क जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था अब यहां पे क्लिक करते हैं मैं पाइथन बेसिक्स वाला जो कर्नल है जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आप वहाँ वहां से जाके देख सकते हैं यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे पाइथन एक्टिवेट हो जाएगा जिसका वर्जन है थ्री ठीक है अब इस पाइथन के वर्जन के अंदर वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स खास तौर पे जो हमने काम करना है वो हम इसी के अंदर कर सकते हैं और अगर आप गौर करें मैं इसको अगर रन करूं यहां पे लेफ्ट साइड पे सो एज के अंदर ट्वेंटी स्टोर हो चुका है अगर मैं यहां पे अब प्रिंट लिखूं और साथ में लिखूं एज अब देखिएगा पहली दफा मैंने क्या किया मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं पहली दफा मैंने एज को ट्वेंटी लिखा और यहां पर इसको टिक मार्क लगा दिया ठीक है जुपिटर नोटबुक में अब ये दूसरा सेल है अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूं प्रिंट मैंने स्टार्ट में ब्रैकेट लगाई फिर एंड द एंड ब्रैकेट को एंड किया और सेंटर में मैंने लिख दिया एज ठीक है अब अगर मैं एज को यहां पे इस तरीके से लिखता हूं मैं इसे रन करता हूं इट विल गिव मी एन एरर क्यों एज डिफाइन नहीं है इसका मतलब ये भी है ये जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था एज का ये मैंने कैपिटल ने सारे स्मॉल लेटर यूज किए थे सो आई हैव टू यूज स्मॉल लेटर्स मैं इसको रन करता हूँ अब अब देखें यहां पे ट्वेंटी प्रिंट हो गया ठीक है अब इसका एक और तरीका कार है आप वेरिएबल को टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट यहां पे लिखता हूं आई एम ये मैंने लिखा है कोटेशन मार्क्स में ठीक है कोटेशन मार्क्स में क्यों लिखा है जो कुछ कोटेशन मार्क्स में लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है देन आई पुट अ कॉमा कॉमा के बाद मैंने एज लिखा एज वही आएगी जो यहां पे है ठीक है क्योंकि ये वेरिएबल में स्टोर है यही मजा है वेरिएबल्स को यूज करने का जब मैंने एज लिखी है तो ऑटोमेटिकली एज की वैल्यू वहां से आ जाएगी बाकी एज इट इज लिखा आ जाएगा एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वेन आर राइटिंग टेक्स्ट टेक्स्ट के इर्द गिर्द आप इनवर्टेड कॉमाज लगाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ये जो आपने किया है इनको स्ट्रिंग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बट वेन आई रन दिस यू विल सी आई एम एज ईयर ओल्ड नहीं आ रहा आ रहा है आई एम ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड ठीक है और ये वेरिएबल जुपिटर नोटबुक के अंदर आप ऐसे बना सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं अगर आप गौर करें यहां पे ऊपर टॉप पे वेरिएबल व्यू भी आ रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूं एंड यू विल सी कि हमारे पास वेरिएबल्स की एक विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली वी कोड के अंदर और ये जुपिटर के नीचे आपके पास वेरिएबल आएगा सो मेरा वेरिएबल का नाम है एज इस वेरिएबल की टाइप है इंटीजर एंड इसमें जो वैल्यू है दैट इज ट्वेंटी ठीक है ये इसकी वैल्यू है ये इसकी टाइप है और ये इसका जो नाम है समझ आ गई यहां पे एज टाइप एंड वैल्यू टाइप इंटीजर क्यों है बिकॉज इंटीजर इज अ मैथमेटिकल आई वुड से टाइप ऑफ डेटा ठीक है अगर नंबर्स हैं तो उसे इंटीजर बोला जाता है अगर मैं यहीं पे इसी जगह पे 20.5 पॉइंट लिखूं मैं इसको रन करूं देखिए यहां पे ये यह फौरन से इसकी टाइप चेंज होगी फ्लोट में ठीक है क्यों क्योंकि मैंने होल नंबर की बजाय मैंने क्या किया है डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू लिखी है ठीक है सो so, अगर फुल वैल्यू हो पॉइंट्स के बिना तो इसकी जो टाइप है वो क्या होगी इसकी टाइप होगी इंटीजर अगर मैं पॉइंट लगा के बेशक जीरो जीरो लिखता हूं यू विल सी इसकी टाइप फ्लोट हो जाएगी सो so, आपको एक्सप्लिसिडली लिखने की जरूरत नहीं है दिस इज हाउ द वेरिएबल टाइप्स वर्क ठीक है ये मैंने एज का वेरिएबल बनाया इसे प्रिंट किया और फिर मैंने आगे उसको लिख दिया अब एक और वेरिएबल बनाते हैं नेम का नेम इज इक्वल टू मैं यहां पे लिखता हूं अ ठीक है अब मैंने जैसे ही मार लिखा मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे एरर दे रहा है रीजन बिहाइंड दैट इज मार जो है ये टेक्स्ट के अंदर आना चाहिए और टेक्स्ट के लिए आपको इन्वर्टेड कोमा लगाने पड़ते हैं दोनों साइडों पर सिंगल भी आप लगा सकते हैं डबल भी लगा सकते हैं और ट्रिपल भी लगा सकते हैं आई विल शो यू कैसे कैसे लगने ये मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाया इन्वर्टेड कोमा लगाने के साथ ही जैसे मैंने नेम पे क्लिक किया सो देन यू विल सी हियर एन अदर टाइप ऑफ वेरिएबल जिसका नाम है नेम और इसकी टाइप है स्ट्रिंग एस टी आर स्ट्रिंग और इसमें छ करेक्टर हैं अगर आप गौर करें एक दो तीन चार पांच छह अल्फाबेट्स हैं और ये इसकी वैल्यू है टोटल ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन से जो नेम वाले वेरिएबल्स होते हैं उन टाइप्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग ठीक है यहां पे नेम है और यहां पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया सो so मैं अगर यहां पे लिखूं प्रिंट माय नेम इज और यहां पे नेम लिख दूं और इसको रन करूं यू विल सी कि माय नेम इज नेम की जो वैल्यू है मेरे पास वो प्रिंट होकर आ जाएगी अमार ठीक है दिस इज हाउ इट वर्क्स तो पहला हमारे पास वेरिएबल कौन सा था एज का विच इज अन इंटीजर दूसरा हो गया हमारे पास नेम का फिर हमारे पास एक और हो सकता है वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल इज अंडर स्कोर स्टूडेंट मैं यहां पे लिखता हूं कि इज अंडर स्कोर स्टूडेंट इसका मतलब है कि एक और वेरिएबल मैंने बनाया इज अंडर स्कोर और इसका नाम है बुलियन ऑपरेटर या बुलियन वेरिएबल बुलियन का मतलब ये होता है या तो ट्रू है या फॉल्स है या कोई चीज सच है या झूठ है या कोई चीज जीरो है या वन है यानी कि सिर्फ दो वैल्यूज हो ठीक है अब यहां पे जैसे मैंने इस स्टूडेंट लिखा ये इस स्टूडेंट वेरिएबल में आ गया यहां से क्लिक करके वेरिएबल्स आते हैं मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं और ये मेरे पास आ गया, गया वेरिएबल और यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है ट्रू इसका मतलब ये हुआ कि नेम की बेस पे मेरे पास सॉर्टेड वे में वेरिएबल्स खुद ब खुद सेंटर में आ गया क्योंकि मैंने नेम की बेस में सॉर्ट किया है ठीक है एंड हेर यू कैन सी मेरे पास ट्रू आ रहा है इसकी वैल्यू है और बोलियन है इस स्टूडेंट ठीक है अब अगर मैं इसको प्रिंट करके लिखना चाहूं तो एम आई आ स्टूडेंट और आगे मैं वही कंडीशन लिख दूंगा वेरिएबल का नाम जो है मैं इसको रन करता हूं आई एम आई स्टूडेंट ट्रू ट्रू आ गया अगर मैं यहां पे लिखू फॉल्स मैं इसको रन करूं यहां पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे मेरे पास जो वेरिएबल आ गया वो इस वक्त फॉल्स वैल्यू आ गई है और यहां पर मैं करूंगा तो ये फॉल्स हो गया अब आपने एक चीज नोट की है यहां पर जैसे जैसे मैं जिस सेल को भी रन करता हूं उसका नंबर यहां पे चेंज हो रहा है और ये जुपिटर नोटबुक का मजा है कि जिस सेल को आप सबसे पहले रन करेंगे उसमें वन नंबर आ जाएगा से फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और इसको री करता हूं ठीक है अब क्या होगा इसको मैं रन करता हूं ये देखिए ये वन आ गया यहां पे छोटा सा इसका मतलब है सबसे पहले ये वैल्यू रन हुई है एज ट्वेंटी लेकिन अगर कोई बंदा एज इज इक्वल टू दोबारा से उसमें उसी एज में एक जमा करेगा तो ये हो जाएगा एज ट्वेंटी वन अब एज का नाम जो हमारे पास पहले था जब हमने दोबारा लिखा तो पुराना एज का नाम अपडेट हो गया यानी कि वेरिएबल अपडेट हो गया अब आप दोबारा से इसको रन करेंगे तो यहां पे तीन आ गया इसका मतलब है दोबारा से जो अपडेटेड वर्जन चला है हमारे पास वेरिएबल का दैट इज एज ट्वेंटी और यहां पे वैल्यू भी आप चेंज होती देख सकते हैं ठीक है और यही वजह है कि जब भी आप किसी चीज को रन करते हैं उसके नंबर मैटर करते हैं जुपिटर नोटबुक में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अकेला अकेला सेल चलता है तो जिस नंबर पे आप चलाएंगे वो नंबर आता जाएगा एक ही सेल को बार बार चलाएंगे उसके नंबर बढ़ते जाएंगे उससे अगले को चलाएंगे उससे अगला नंबर आ जाएगा उससे अगले को चलाएंगे उससे अगला नंबर आ जाएगा उससे अगले को चलाएंगे अगला एंड उससे अगले को चलाएंगे उससे अगला सो दिस इज हाउ दिस वर्क ये नंबर मैटर करते हैं जुपिटर नोटबुक में और अगर आपने वेरिएबल्स को देखना है अगेन यहां पे जाके आप देख सकते हैं राइट right जी यहां पे क्लियर हो गया अब आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास इंटीजर है बोलियन है स्ट्रिंग है एंड आपके पास फ्लोट नंबर भी है अब एक और मैं वेरिएबल यहीं पे बनाता हूँ और मैं इसको बोल देता हूं एच आई जी एच टी हाइट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूं फाइव पॉइंट टेन ठीक है मैं ये लिख देता हूं और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं यू सी नाउ आई हैव अ फ्लोट यानी कि क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज हैं तो मेरे पास हाइट आ गई फ्लोट नंबर के साथ तो हमारे पास ये चौथी टाइप आ गई वेरिएबल की विच इज फ्लोट और मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट प्रिंट करने के बाद माई हाइट इज फाइव पॉइंट वन और ऑफकोर्स मैं यहां पे लिखता हूं क्या है फीट ठीक है सो मैं इसको रन करता हूं यू विल सी के माई हाइट इज फाइव पॉइंट वन फीट ये यहां पे आ गया और ये जो रन की कमांड है अगर इसके ऊपर मैं अपना माउस कर्सर लेके जाऊं यू कैन सी के कंट्रोल आल्ट एंटर से ये रन करता है सेल कंट्रोल आल्ट एंड एंटर कंट्रोल आल्ट एंटर तो आप अगर कंट्रोल आल्ट एंड सो मेरे से गलत की दबी गई थी और आपके साथ भी अक्सर का ऐसा हो सकता है और नरेटर विंडो ओपन हो सकती है बट दिस इज हाउ यू कैन रन और इस तरीके से आपके पास ये काम चलता है ठीक हो गया जी मैं यहाँ से वॉल्यूम को ही बंद कर देता हूँ ओके तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो विंडोज रन करना स्टार्ट कर देती हैं एंड यू कैन एक्चुअली रन ईच कोड टाइप है तो अब हमने क्या सीखा वेरिएबल क्या होते हैं एंड वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ठीक है थीके? मैं यहां पे लिखता हूं वेरिएबल्स एंड टाइप्स तो यहां पे वेरिएबल्स को अगर लिखा जाए तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकता हूं मैं वेरिएबल्स रेफर्स टू द वैल्यू ये हमने लिख दिया दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथॉन वन इज नंबर स्ट्रिंग डिक्शनरी, सेट बुलियन, नान सो देर आर मेनी अदर टाइप्स जो हम आने वाले दिनों के अंदर भी देखेंगे एंड यू विल सी दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हेल्प रस अलॉट इन लीडिंग टू वर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा ठीक है आप वेरिएबल्स को तस्वर कर सकते हैं कि वेरिएबल्स खासतौर पर नंबर्स के साथ स्टार्ट हो सकते हैं नंबर्स की वैल्यूज हो सकती हैं स्ट्रिंग्स हो सकती हैं लिस्ट भी हो सकती है यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स और स्ट्रिंग्स फिर टप्पल हो सकता है डिक्शनरी हो सकती है सेट एंड बुलियन हो सकता है जो आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टोर द डेटा इन टू वेरिएबल्स जब आप डेटा लोड करते हैं ना एक्सेल की शीट से तो आपके पास रोज एंड कॉलम्स में डेटा होता है ठीक है जो कॉलम्स होते हैं किसी भी डेटा के उनको भी हम वेरिएबल्स बोलते हैं उनका नाम होता है कोई और उनके अंदर वैल्यूज होती हैं फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम है जिसमें एज है आप सभी जितने लोग मेरे से इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो सभी की एज अगर मैं बारी बारी लिख दूंगा तो मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा एज का जिसके अंदर सारी वैल्यूज हैं दिस इज वेरिएबल वेरिएबल अगर आप सभी का मैं नाम लिखूंगा दैट्स अनदर तो कलेक्शन ऑफ डेटा इन टू वन और टू नेम्स अंडर स्कोर के साथ जोड़ के उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स समझ आ गई ये राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप वेरिएबल्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं